Hello everyone, welcome to our channel Learn with Nishman. Today we are going to start chapter 2nd of evidence law, and chapter 2nd is related to of the relevancy of facts, right? I have divided this whole chapter in various fragmentations. Your first division is relevancy of facts, right? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स कवर सेक्शन 5 to 16. बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये इतने ईजिली तरीके से मैंने बैफ्रिकेट किए हैं ताकि आपको सेक्शंस भी रिवाइज हो जाएंगे और आपको ईजिली सेक्शन समझ में आएंगे कि ये किस पार्ट में किस एक्सप्लेनेशन की बात की गई है. ओके, द सेकेंड डिविजन इज रिलेटेड टू एडमिशंस 17 to 31. आफ्टर दैट स्टेटमेंट्स बाय द पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस. It will cover section 32 and 33. The next is statements made under special circumstances. It is 34 to 38. Then the next division is how much of the statement is to be proved, right? In it we will do section 39. After it, judgment of the courts of justice when relevant, 40 to 44. Opinion of the third person when relevant, and then character when relevant, and this till 55 we will cover all this section. So of relevancy of facts is from section 5 to 55 in whole, and we are going to discuss each and every section individually with examples, with case studies. Okay, so stay tuned for all the videos. Your relevancy, here the word relevancy is used. रेलिवेंसी बच्चे मीन्स हर वो फैक्ट जो दूसरे फैक्ट में इस तरीके से जुड़ा हुआ है, जैसा कि इंडियन एविडेंस के अंदर सेक्शन 6 to 55 में बताया गया है, तो वो रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा, राइट? ऐसा कोई भी फैक्ट जो इन किसी भी डिविजन्स में अप्लाई हो जाएगा या इन डिविजन्स का पार्ट होगा, हम उसको रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट में इंक्लूड कर देंगे, राइट? सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन 5. Section 5 of Indian Evidence Act says evidences to be given only of fact in issue and relevant fact, right? हम जब भी evidence देने होंगे तो evidences हमेशा fact in issue के होंगे या relevant fact के होंगे. Okay, so evidence on extraneous fact, कोई extra fact होगा, that is not allowed. This section is enabling as well as prohibitory. If fact is relevant or fact in issue, then evidence of that fact can be given. But if any, like in your CPC, Civil Procedure Code, if it bears such evidence, then also not allowed to be proved. ऐसा कोई भी evidence जो allowed नहीं है, वो prove भी नहीं होगा. Okay, आपके example के तौर पे आपका Order 7 रूल 14 सीपीसी का, राइट? उसमें कन्फेशंस ड्यूरिंग पुलिस इंटरोगेशन, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, इन दीज केसेस इवन इफ फैक्ट ऑफ एविडेंस इज रेलिवेंट फैक्ट, दैट इज नॉट प्रूव्ड. अब ये रेलिवेंट तो होते हैं बट ये अलाउड नहीं होते, राइट बच्चे? तो रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू के आप एविडेंस दे सकते हो, बट इफ देर इज एनी एक्सेप्शन कि वो अलाउड नहीं है, तो वो अलाउड नहीं होंगे. ओके, आप उनको एविडेंस नहीं दे सकते हो. सेक्शन 5 क्लियरली डिक्लेयर्स दैट एविडेंस मे बी गिवन बाय द पार्टी ऑफ फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट एंड ऑफ नो अदर्स. दस दिस सेक्शन इज इनेबलिंग एज वेल एज रेस्ट्रिक्टिव. ओके, इट इनेबल्स अ पार्टी टू गिव एविडेंस अपॉन रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू, बट देर आर सम प्रोविजन्स इन एविडेंस एक्ट इट सेल्फ. फॉर आप एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल सेक्शन 25 जब हम रीड करेंगे, 26 रीड करेंगे, राइट? लाइक प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, वेरी वेयर फैक्ट इज रेलिवेंट ऑल दो द एविडेंस इज नॉट अलाउड, राइट बच्चे? फॉर एग्जाम्पल आपके ऑर्डर 7 रूल 14 हमने किया, ऐसी एक ऑर्डर 8 रूल 1A है, ऑर्डर 13 रूल 1 है, ऑर्डर 41 रूल उसका 27 है. सो दे यहां पर क्या है, वेयर द एविडेंस विल नॉट बी अलाउड टू बी प्रूव्ड ऑफ फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट. फैक्ट इन इश्यू या रेलिवेंट फैक्ट जरूर होंगे, बट इनकी एविडेंस अलाउड नहीं है. दस डिस्पाइट ऑफ इनेबलिंग प्रोविजन एविडेंसेज मे नॉट बी अलाउड
to be provided in certain cases. Right, bache? This section is also restrictive. That is, evidence will not be allowed for any other purpose other than this is proved. और किसी भी पर्पज के लिए आप एविडेंस नहीं ले सकते हो. हियर द पार्टी इज अलाउड टू प्रूव एविडेंस इन ऑर्डर टू डिसप्रूव द विटनेस. राइट, सो दिस इज योर सेक्शन 5. एविडेंसेस टू बी गिवन जस्ट इन दीज टू केसेस, अदरवाइज इट्स नॉट अलाउड. बट इफ एनी एक्सेप्शन इज देयर, स्टिल यू विल नॉट गिव एनी एविडेंस. राइट, नाउ कॉन्टिन्यूइंग अवर डिविजन 1. हमारा फर्स्ट डिविजन क्या बात करता है बच्चे? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स की. राइट, और रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स में हमने कितने सेक्शन इंक्लूड किए हैं? सेक्शन 5 to 16. राइट, सो 5 वी हैव डन. नाउ मूविंग टू सेक्शन 6. व्हाट योर सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट? सो सेक्शन 6 में क्या है बच्चे? फैक्ट्स विच इज टॉक्ड इन दिस सेक्शन इज नॉट फैक्ट इन इशू, but it is connected with fact in issue. Right, there is some connection is there, connection of facts. Right, with what? Fact in issue ke saath in facts ka kuch connection hai aur ye same transaction mein hone chahiye. Samajh mein aaya bache? Tabhi wo relevant mane jayenge. अब जब भी जो भी हम 5 to 55 में कवर करने वाले हैं, वो सब केसेस क्या होंगे? वो रेलिवेंट केसेस होंगे. कि कोई भी फैक्ट रेलिवेंट कब होगा? ओके, सो सेक्शन 6 क्या कहता है? वो फैक्ट रेलिवेंट होगा जो फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड हो, सेम ट्रांजैक्शन में हो. ओके, राइट, जैसे कि आपका ये एक फैक्ट है. राइट, और ये फैक्ट इन इश्यू है. Right, so fact was such as was part of same transaction in which fact in issue was caused. Same transaction is very relevant. ये relevant होना चाहिए, ठीक है? ये इससे connected है. For relevancy under section 6, it has to be proved that fact in question was such as could be said to be part of the same transaction. Right, बच्चे? In which the main fact took place. जिस transaction में main fact हुआ है, वो fact उसी transaction में हुआ हो. All right. Thus, for section 6, the examination will be as to how long can transaction of fact in issue be said to have continued. कितनी long ये चली है. And as to whether the other fact concerned can be said to have been part of that transaction or not. पहले ये चेक किया जाएगा फैक्ट इन इशू ने कितना टाइम पीरियड लगाया है, और फिर ये चेक किया जाएगा कि जो दूसरा फैक्ट है वो उससे कनेक्टेड है या नहीं है. समझ में आया बच्चे? दिस इज योर सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट फैक्ट्स टू बी एग्जामिन्ड वेदर इट इज रेलिवेंट और नॉट. जैसे ए शाउट अपॉन बी, देन बी शाउट्स फॉर हेल्प. सो यहां पर जो बी की शाउटिंग है ना बच्चे, फैक्ट्स टू बी एग्जामिन्ड whether or not it is of the same transaction or not. समझ में आया? वो shouting जो हुई है वो उसी transaction से related थी कि नहीं. अब यहां पर एक example और देखिए. Like A है, A is following B. Right? He followed B. When A saw B, he took out the pistol. Okay? A aims and shot B. A B को shoot कर देता है. So जो shoot है वो क्या बन गया आपका? Fact in issue. राइट, अब उसके बाद क्या हुआ? बी शाउटेड एंड ट्राइड टू रन अवे. ओके, सी वहीं पर ही बाई स्टैंडर्ड था. बाई स्टैंडर्ड मतलब साथ में खड़ा था. ही ऑल्सो शाउट्स एंड रन अवे. तो यहां पर क्या हुआ? जो ये शूटिंग हुई है, इट विल नॉट बी इन आइसोलेशन. देयर विल बी सीरीज ऑफ इवेंट्स बिफोर एंड आफ्टर दैट फैक्ट इन इशू. समझ में आया बच्चे? एक और एग्जाम्पल देखिए. Cruelty होती है, cruelty in marriage, right? So it could be a very long transaction, cruelty. समझ में आया? So cruelty क्या हुआ? Continuing wrong. Transaction started when there was the first act of cruelty was there, right? So some transactions have to be seen in relation to circumstances. अब ये तो बहुत देर तक चलते cruelty, तो जो जो इसमें circumstances होते रहेंगे वो connected है. इसमें क्या था बच्चे? Shouting and running, वो same place and time था. But यहां पर cruelty क्या है? Same place नहीं भी है,
टाइम भी सेम नहीं है. समझ में आया दोनों केसेस में? सो ट्रांजेक्शन इज अ कॉन्टिन्यूटी ऑफ इवेंट्स वेयर इन अ सीरीज ऑफ इवेंट्स टेक्स प्लेस इन कॉन्टिन्यूइंग विद ईच अदर. हेयर इट वुड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन. कैसा नेचर है? यहां पर देखिए टाइम पीरियड बहुत लॉन्ग है, यहां पर छोटा सा है, यहां पर सेम टाइम है, सेम प्लेस है, बट सॉरी सेम टाइम सेम प्लेस इज हेयर. हेयर इट इज नॉट लाइक दैट. ओके, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को हमने डीप देखना पड़ेगा एज टू वेदर द ट्रांजेक्शन इज लिमिटेड ओनली टू एनी प्लेस एंड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और वेदर इट इज लाइक स्प्रेडिंग ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन अपॉन डिफरेंट प्लेसेस. शूटिंग जो थी, देखो क्या हुआ, देर वॉज क्वेरल वॉज टू डेज बिफोर. शूटिंग से पहले दो दिन पहले लड़ाई हुई एंड आफ्टर टू डेज ही स्टार्टेड फॉलोइंग हिम टू द होटल. ट्रांजेक्शन राइट, ट्रांजेक्शन स्टार्ट कब हुई? अब वेन ही स्टार्टेड फॉलोइंग हिम. ओके, जैसे उसने उसको फॉलो शूट किया, वो रूम में गए, वेंट होम, ब्रॉट द पिस्टल, शूट हिम इन होटल. सो ऑल पर्सन्स रनिंग, क्योस इन रिस्ट्रेंट, साउंड ऑफ बुलेट, पर्सन फेंटेड, पर्सन स्टार्टेड रनिंग अवे, बुलेट शॉट हुआ. सो ऑल दीज आर सेम ट्रांजेक्शन. समझ में आ रहा है बच्चे? द पर्सन हु इज हर्ट इज आस्किंग फॉर वॉटर, द पर्सन हु ब्रॉट वॉटर टुक हिम टू द हॉस्पिटल. सो दिस इज ऑल्सो द सेम ट्रांजेक्शन. लेकिन जब बच्चे उसी पर्सन की डेथ हो गई, फिर फ्यूनरल हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, ये सेम ट्रांजेक्शन नहीं है. दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन. किलिंग थी, किलिंग से रिलेटेड जो जो चीजें हैं वो होंगी, पोस्टमार्टम एंड देन दिस फ्यूनरल, दीज आर नॉट इन सेम कनेक्शन. स्पॉन्टेनियस शुड बी देयर, राइट? आपकी जो चीज होगी वो तुरंत होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस मोमेंट, राइट? स्पॉन्टेनिटी मस्ट बी देयर. सेक्शन 6 इज एन एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेस जेस्टे. जो अब हम सेक्शन 6, 7, 8 में पढ़ने वाले हैं, दैट इज टर्म रेस जेस्टे. राइट, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, इस टर्म में क्या है. इट इज एप्लीकेबल इन इंग्लिश लॉ. अकॉर्डिंग टू टेलर, रेस जेस्टे मीन्स अफेक्ट अ ट्रांजेक्शन एन इवेंट विच इज सो फेयरली कनेक्टेड विद द मेन इवेंट दैट इट अपीयर्स दैट द सेड फैक्ट हैज एन ऑटोमेटिक एंड नेचुरल कनेक्शन विद द मेन फैक्ट. ऐसे कोई भी फैक्ट जो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है और आपको ये लगता है कि ये नेचुरल है, ये ऐसा होगा ही होगा, ऑटोमेटिक है, राइट, स्पॉन्टेनियस है. Whenever some wrong is committed, there will be some other faults which are found to be connected with the main fact, and there is a logical cause and effect, right? Res gestae means logical cause or a connection, and connection is there. Like the main fact and the said other fact. In English law, the concept of res gestae has a broad application, and it would include events which are a part of the same transaction, cause, effect, right? Opportunities, motives, subsequent. ये हम सब 6, 7, 8 में पढ़ने वाले हैं. सेक्शन में 6 में क्या पढ़ रहे हैं हम? रिलेशन. फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 6, इट इज असेंशियल टू प्रूव द फैक्ट इन क्वेश्चन वॉज एज कैन बी कंसिडर टू बी पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन. वो इस तरीके से है, सच एज इट कैन बी पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन इन विच फैक्ट इन इशू टुक प्लेस. राइट बच्चे, सबसीक्वेंट एंड प्रोसीडिंग्स कंडक्ट को हम नहीं लेते हैं सेक्शन 6 में, हम बस उन चीजों को लेते हैं जो उससे कनेक्टेड हो, रिलेटेड हो. देर हैज टू बी स्पॉन्टेनियस कनेक्शन एज टू द फैक्ट विद द फैक्ट इन इशू. द फैक्ट शुड बी अपीयर टू बी ऑटोमेटिक, नेचुरल, अनडिजाइंड हो, कुछ पहले से ही कुछ भी प्लानिंग ना हो एंड अनफेब्रिकेटेड हो. राइट, लाइक इफ एग्जाम्पल्स देती हूँ बच्चे, अब आप समझेंगे अच्छे से. राइट, देखिए क्या होता है, ए शूट बी, यही वाला एग्जाम्पल ले लो. ए शूट बी, सी वॉज अ स्टैंड बाय, सी एक स्टैंड बाय था बच्चे, एंड ही रन अवे. आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद, सी टोल्ड डी, सी ने किसको बताया, डी को, दैट ए किल्ड बी एंड सी वॉज स्केयर्ड. टाइम गैप हेयर डजेंट मैटर, राइट? अब सी ने डी को बताया, ये नहीं कहेंगे 2 घंटे बाद बताया, नहीं, ही वॉज स्केयर्ड एट दैट मोमेंट. बट अगर इसी केस में देखिए, सी गो टू स्लीप,
देख के भाग के डर के और वो सो जाता है. एंड आफ्टर वेकिंग अप सी टोल्ड टू डी ऑन फोन, फोन करके बताता है. तो यहाँ पर क्या हुआ, टाइम गैप भी हो गया. थॉट आए हैं आफ्टर थॉट, टाइम एंड कैपेसिटी टू थिंक प्रॉपरली, देयर फॉर इट विल नॉट बी ऑटोमेटिक एंड स्पॉन्टेनियस. फोन कॉल करना, सोने के बाद उसको बताना, ये स्पॉन्टेनियस नहीं था. राइट, सो इट इज असेंशियल देयर शुड बी स्पॉन्टेनियटी टू दैट फैक्ट इन रिलेशन विद फैक्ट इन इशू. आपके केस देखिए, मैं आपको केस देती हूँ, केस स्टडीज, आप समझेंगे उससे बहुत अच्छे से. क्या होता है आपका केस था, एक सवालदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. राइट बच्चे, 1974 का केस है. इसमें क्या था, एक लेडी है, राइट, लेट लेडी डब्ल्यू एंड टू चिल्ड्रन स्टे इन द हाउस, इनके दो बच्चे भी हैं. सो क्या हुआ, सम पीपल वेंट इन द हाउस, ड्रैग्ड दैट वुमेन इन अ रूम, पुट हर ऑन अ फायर. राइट बच्चे, सो दीज चिल्ड्रन शाउटेड फॉर हेल्प, वुमेन ऑल्सो शाउटिंग, स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ द रूम, मैन लॉक द रूम एंड रैन अवे. सो ऑल दीज ट्रांजेक्शन आर ऑफ सेम थिंग, राइट, सीरीज ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, एज वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, सब रिलेटेड करते हैं, ऑल पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन. समझ में आया बच्चे, सब एक दूसरे से रिलेटेड है. बट अगर आप साथ में एक और केस देखें, दैट इज योर आर वर्सेज एंड्रयूज. एक केस था ये बच्चे, ये 87 का केस है. तो इसमें क्या था, देर वॉज अ हाउस, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है एंड दिस इज सेकेंड फ्लोर. जो सेकेंड फ्लोर है उसमें एक्यूज्ड है जिसने क्राइम किया है, और यहां पर विक्टिम है जिसके साथ क्राइम हुआ है. सो ए वॉज सिटिंग इन द हाउस एंड ड्रिंकिंग लिकर विद अ फ्रेंड ऑफ हिज, ही वॉज एनिमिटी विद विक्टिम. ए ये है एक्यूज्ड, मान के चलिए बी विक्टिम है, ए की बी से कोई दुश्मनी है. राइट, तो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के एक ड्रिंकिंग लिकर का पार्टी कर रहे हैं. ही वॉज देन ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स टू किल विक्टिम, दे टुक किचन नाइफ एंड ब्लैंकेट. सब किचन नाइफ और ब्लैंकेट लेके चलते हैं. सो दे वेंट टू द विक्टिम हाउस, राइट, पुट ब्लैंकेट ऑन द विक्टिम एंड स्टैब हिम. बट लेटर क्या होता है, विक्टिम थ्रू द ब्लैंकेट एंड सॉ द एंड्रयू एंड हिज फ्रेंड्स, देख लेता है वो उनको मारते हुए. सो विक्टिम वेंट डाउन स्टेयर्स एंड कॉल्ड एम्बुलेंस. आफ्टर 45-15 minutes whatever, ambulance arrived. Attendant asked what happened. He told everything to the attendant. It was spontaneous relation. जो भी सीरीज में चीजें चल रही थी बच्चे, सब क्या थी, spontaneous हो रही थी. Right? He was not interacted with other people. When a person is stabbed, even though he cannot think of फैब्रिकेटिंग और लाइंग, ठीक है, वो बिल्कुल मरने की स्टेज पे है. इस स्टेज पर ना तो पर्सन झूठ बोलेगा, ना वो बातें घुमाएगा, और वो तुरंत जो भी है सच बताएगा. सो हेयर द विक्टिम स्टेटमेंट को जो उसने अटेंडेंट को दी, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था. यहां पर टाइम गैप अलाउ नहीं हुआ, ओके, क्योंकि उसने फोन कॉल करके बुलाया, और बुलाया तो उसने तुरंत ही बताया, उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वो मरने वाला था. ओके, ही वॉज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू द क्वेश्चन आस्क्ड टू हिम. टाइम गैप ऑफ 45 मिनट्स जो लगा, वॉज नॉट मैटर हेयर, डजेंट मैटर इन दिस केस, एज सर्कमस्टेंसेज सजेस्ट दैट देयर वॉज नो फैब्रिकेशन और डिजाइनिंग बाय द विक्टिम. राइट बच्चे, तो आपको समझ में आ रहा है एग्जाम्पल कैसे रिलेट था. स्पॉन्टेनियटी आपको हर केस में, हर फैक्ट में देखनी होगी, हाउ, वट इज द नेचर ऑफ द सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेज चेक करने पड़ेंगे. सो दिस इज योर होल योर अबाउट सेक्शन 6. Today we have done 5 and 6 section, and in coming videos stay tuned, we are going to start with section 7. Don't leave any video. Right bache, samajhte jaiye, padhte jaiye, examples dekhte jaiye, case studies karte jaiye. Till then, goodbye, thank you.